दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर परवेज आलम। दोस्तों मैं आज आप लोगों को स्किन प्रॉब्लम से रिलेटिव कुछ जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मैं ये तो चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी जानकारियाँ हैं वो जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं या जो कोई भी हैं, उन सब तक ये जानकारी पहुँचे, और ये जानकारी जो है आपस में साझा करने से जो है अच्छा रहता है। दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आज मैं विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में ये बताऊंगा कि विटामिन सी के कमी से जो है स्किन रोग कैसे होता है। दोस्तों विटामिन सी जो होता है उनके कमी से सबसे पहला जो उनका असर होता है वो हमारे फेस पर दिखता है। जी हाँ, फेस पर, क्योंकि उनका उनके कमी से जो हमारा फेस है उस फेस में जो कोलेजन जो जो फेस की जो स्किन है उस पे जो कोलेजन बनता है वो कोलेजन बनना बंद हो जाता है। जी हाँ, विटामिन सी की कमी से हमारे जो हमारा जो फेस है जो उसका जो फेस का जो त्वचा है उस पे कोलेजन बनना बंद हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब कोलेजन बनना बंद हो जाएगा तो हमारा चेहरा जो है वो ड्राई हो जाएगा, और जब मेरा चेहरा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो ऑलरेडी जो चेहरा है उस पे क्या होगा कि मतलब झुर्रियाँ आ जाएगी चेहरे पे। जब कोलेजन बंद होगा तो चेहरे से जो है चमक चली जाएगी, और चेहरे पे जो जैसे ही चमक जाएगी चेहरा जो टाइटनेस नहीं होगा, चेहरे पे झुर्रियाँ खत्म हो जाएगी। जी हाँ, तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है हम लोग विटामिन सी का जो है भरपूर सेवन करें, जिससे जो हमारा चेहरा जो है बिल्कुल क्लीन रहे, कोलेजन बने, हमारे फेस हमारा जो स्किन है उस पे जो जो फेस का जो स्किन है उस पे जो है बिल्कुल तरोताज़ा रहे। विटामिन सी से जो है हमारा स्किन पे जो है कोलेजन जो फेस पर जो है कोलेजन बनता रहे, चेहरे पर जो है चमक रहे, और उस पे जो है बिल्कुल झुर्रियाँ जल्दी ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, तो आई थिंक विटामिन सी के बारे में आप लोग जान गए होंगे। हम लोग भाई विटामिन सी जो है वो लेना है, लेकिन विटामिन सी से लोग ये नहीं जानते कि भाई विटामिन सी की कमी से हमारा चेहरे पे सबसे पहले जो है झुर्रियाँ आ जाती है। तो इसको पूरा करने के लिए जो है मार्केट में बहुत सारा फल है उसको डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं। विटामिन सी नींबू में भी है, विटामिन सी जो है आपका संतरा में, मौसमी में, इनसे हम लोग जो है डायरेक्ट, या कीवी फल में भी हम लोग जो उससे अपने जो है बॉडी में जो है उस जो है विटामिन सी की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक विटामिन विटामिन डी के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि विटामिन डी जो है इनकी कमी से भी हमारा जो त्वचा है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। क्योंकि अब तक हम लोगों को ये पता है कि विटामिन डी की कमी से जो है सिर्फ वो हड्डी जो है वो कमज़ोर होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है वो हमारा हड्डी जो है बिल्कुल मतलब उसका जो ये हड्डी का जो कैल्शियम्स है वो ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता है, वो सूरज के जो है मतलब सूरज का जो जो फर्स्ट किरणें होती है उसमें हम लोग विटामिन डी लें, या फिर वो डॉक्टर से जो है विटामिन डी का जो टैबलेट्स या कैप्सूल्स वगैरह जो है मार्केट में अवेलेबल है वो हम लोग ले सकते हैं। ये पता भी हड्डी कमज़ोर है तो विटामिन डी जो है चलाओ, फिर बहुत सारी बातें। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये जानकारी मैं बता दूँ कि विटामिन डी की कमी से भी जो है दोस्तों बारीक बात है, बहुत बहुत ही बातें मतलब ज्ञान की बातें, थोड़ा सुने। विटामिन डी की कमी से भी हमारे जो हमारा स्किन है जो हमारा त्वचा है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है और पड़ता भी है। क्योंकि विटामिन डी की कमी से जो है सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि विटामिन डी की कमी से जो है हमारा जो त्वचा है वो बिल्कुल सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उनको सबसे ज़्यादा खुजली होती है दोस्तों। क्योंकि आजकल सभी अक्सर जो है 95% लोगों को जो है ये स्किन रोग होता है, जो खुजली है, डर्माटाइटिस है, स्काइबीज है, या फिर अर्टिकेरिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से जान लें हम लोग, विटामिन डी की कमी से भी स्किन रोग होता है, हो सकता नहीं होता है। जी हाँ, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है भाई, हमारा जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसका जो है ड्राई हो जाना, और सबसे ज़्यादा जो है खुजली हो जाना, उसके बाद जो स्कैबीज हो जाना। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से जो है कुछ लोगों को तो मुहासे तक भी हो जाते हैं। इसके लिए क्या है कि विटामिन डी का जो है भरपूर मात्रा में हम लोग सेवन करें, विटामिन डी युक्त जो है जो फल है मार्केट में वो हम लोग लें,
उसके बाद सूरज जो सूरज की रोशनी है मॉर्निंग में जो फर्स्ट आवर का जो सूरज की जो रोशनी है उससे हम लोग डायरेक्ट जो है बिल्कुल विजुअल में हम लोग विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आई थिंक ये जानकारी आप लोग तक तो गया होगा। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों स्किन से रिलेटेड में मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, और आने वाला जो हमारा वीडियो होगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर के लिए सबसे सुपर और सबसे बेस्ट साबुन का जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कि साबुन के बारे में बताऊंगा कि हमारे त्वचा के लिए सबसे सुपर अभी जो आजकल की जो ये हमारा जो ये पॉल्यूशंस का जो वो वातावरण है इसमें सबसे अच्छा हमारे लिए सबसे अच्छा सबसे सुपर क्वालिटी का साबुन कौन सा है दोस्तों, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।